की मदद की, जरूरतमंदों की मदद की और एक सामूहिक लड़ाई की तरह हमने कोविड-19 को इस देश में हराया है। बिना और विलंब किए मैं मंडाविया जी को चाहूंगी मंच पर बुलाना फॉर अ वेरी शॉर्ट एड्रेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर मनसुख मंडाविया, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन द स्टेज। ग्राउंड में आने के बाद तुरंत ही बैटिंग दिया गया है। आज का संजीवनी प्रोग्राम में मुझे ब्रजेश भाई कई दिनों से बोल रहे थे कि आप जिस डेट तय करेंगे उस डेट हम कार्यक्रम करेंगे, और इस बार हम इस श्रेणी में कैंसर पर कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि वेडन्स डे रखना, उस दिन कैबिनेट होती है तो मैं दिल्ली में रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आ सकूं। दोस्तों, हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन और डेलिब्रेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। समय के साथ डिसीज की पैटर्न भी बदलती रहती है, लोगों की लाइफस्टाइल भी बदलती रहती है। हेल्थ सेक्टर में जो स्थिति आज है वो कल ना भी हो सकती है, कल है वो परसों नहीं होती है। ऐसी स्थिति में देश में हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। हेल्थ है कभी पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और हेल्थ पॉलिटिकल सोच के साथ, फॉर एग्जांपल एज ए मिनिस्टर कोई मुझे आके कहे कि मंत्री जी मेरे यहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिस्पेंसरी खोल दो, तो मैं टोकन सोचूं तो एक डिस्पेंसरी खोल दूं। ट्रेडिशन वही थी, लेकिन ये ट्रेडिशन से बाहर आके हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए 2014 से शुरुआत हुई। टोकन में नहीं, टोटल अप्रोच के साथ हेल्थ को देखा गया। नहीं केवल डिस्पेंसरी खोलना, लेकिन देश में हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो, हेल्थ अफोर्डेबल कैसे हो। दोस्तों, दुनिया के हर देश को अपना अपना हेल्थ का मॉडल हो सकता है, लेकिन हमारी कंट्री, हमारी स्थिति के अनुसार हेल्थ का मॉडल हमारा हो सकता है। और हमारा मॉडल कैसा होना चाहिए, इंडियन हेल्थ मॉडल कैसा होना चाहिए? दोस्तों, मैं मानता हूं कि मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 में जब आजादी का अमृत वर्ष में रेड फोर्ट से देश को एड्रेस कर रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने एक विचार रखा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो उस वक्त हमारा देश डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। 25 साल का समय यह हमारा अमृत काल है। यह अमृत काल में हमें हमारा पाथवे तैयार करना है, उसके पर चल के हमें आगे जाना है। तो पाथवे कैसा होना चाहिए, उसका मॉडल क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए मोदी जी ने पंच प्राण की बात की थी। पहले कहा कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, दूसरा प्राण बताते हुए कहा कि हमें गुलामी की सारी मानसिकता से, गुलामी के चिन्ह से मुक्ति पानी है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमें विरासत से प्रेरणा लेनी है। चौथी बात कहा कि देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना है, यानी कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो केवल एक स्टेप ही व्यक्ति आगे बढ़ के रुक जाता है, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनसंख्या एक सोच, एक कमिटमेंट के साथ, एक विचार के साथ एक स्टेप आगे बढ़ती है तो देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाता है। मोदी जी ने कहा कि एक गोल को अचीव करने के लिए देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी होनी चाहिए,
और ये नागरिक अपनी जिम्मेवारी को कैसे अदा करे, तो मोदी जी ने कहा कि हम कर्तव्य भाव से, पांचवें प्रमेय कहा कि हम कर्तव्य परायणता से व्यवहार करेंगे, यानी कि हर नागरिक अपना कर्तव्य को समझे, व्हाट इज माय ड्यूटी, हर नागरिक की नेशन के प्रति जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी को वहन करे। और इस विषय से प्रेरणा लेते हुए हेल्थ सेक्टर में हमें हमारी विरासत से प्रेरणा लेना है। दोस्तों, हमारी विरासत हमें हमारा हेल्थ का मॉडल दिखाती है। दुनिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है, इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है। जब देश के नागरिक को आप सेवा के लिए हेल्थ सेक्टर में प्रेरित करेंगे, तो देश के नागरिक उसमें बढ़ चढ़ के रुचि लेंगे। हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा, और उसमें देश का हेल्थ का मॉडल का इंप्लीमेंटेशन किया गया। जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, दुनिया के साथ मेरी मीटिंग होती थी, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर से मेरा डायलॉग होता था। उस वक्त डेवलप्ड कंट्री के कई हेल्थ मिनिस्टर मुझे कहते थे कि व्हाट इज सिचुएशंस इन योर कंट्री, वो मुझे बताते थे कि हमारे यहां डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, हमारे अस्पताल में पेशेंट है, डॉक्टर नहीं है, आपके यहां कैसा है। तब मैं कहता था कि हमारे यहां डॉक्टर भी ड्यूटी पर आते हैं, नर्स भी ड्यूटी पर आते हैं। कई लोगों ने, कई नर्स ने, कई डॉक्टर्स ने, कई पैरामेडिक स्टाफ्स ने, कई कोरोना वॉरियर्स ने अपने जान को गंवा दिया। उस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मां नर्स थी, कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही थी, 3 महीने की उसकी बच्ची अपने घर पे थी, पिताजी उसकी संभाल कर रहे थे। मां को डर लग रहा था कि मैं कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही हूं, मैं जाऊंगा, मेरी बच्ची को कोविड शायद लग जाए। वो व्हाट्सएप वीडियो से बच्ची का मुंह देख लेती थी, आंख में से आंसू बहा लेती थी, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, क्योंकि इंडिया का मॉडल है सेवा, ये हमारा धर्म है, सेवा ये हमारा व्यवहार है। हेल्थ सेक्टर के लिए हर व्यक्ति उस वक्त चाहते थे कि मैं भी मदद करूं। देखो, जब लॉकडाउन में डेवलप्ड कंट्री में भी लॉकडाउन के सामने एजिटेशन हो रहा था, बड़ी दिक्कत वाली स्थिति हो गई थी, ब्रेड के लिए 4-व्हील गाड़ी की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन मोदी जी ने उस वक्त देश को संबोधित करते हुए अपनी कर्तव्य पारायणता के बारे में बात कही, अपनी विरासत के बारे में बात कही। हमारा कोरोना वॉरियर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उसका हौसला बढ़ाया, उसके लिए ट्राई कलर हमारे हवाई जहाज के द्वारा फहरा के उसको अभिनंदन किया। सारे देश के 140 करोड़ की जनसंख्या रोड पे आई, थाली बजाई, हमारा कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान दिया, और हमारी टीम काम पे लगी। दोस्तों, दुनिया को ऐसा था कि शायद इंडिया कोविड क्राइसिस के सामने लड़ नहीं पाएगा, लेकिन मैं लास्ट जनवरी महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का नेतृत्व करते हुए, डेलीगेशन को लीड करते हुए गया। बिल गेट्स के साथ मेरी मीटिंग थी। हम भारतीय हैं, हमें कोई मिलने के लिए आते हैं तो खड़ा होते हैं, गेट तक उसको लेने के लिए जाते हैं। मैं भी बिल गेट्स को मेरे कमरे में खड़ा होकर उसको लेने के लिए गया। उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया, और उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। हम कर सकते हैं, हमारा मॉडल ने हमें मदद किया, हमारा ये भी मॉडल है। दोस्तों, कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन की क्राइसिस थी, और उस वक्त सारे दुनिया में लॉकडाउन था। इंडिया में नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट, कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही थी, लेकिन उस वक्त डेली 4 से 5 फ्लाइट इंडिया में लैंड होती थी मेडिसिन लेने के लिए। 150 देश में हिंदुस्तान ने मेडिसिन सप्लाई की पहुंचाई।
जिस वक्त दुनिया वैक्सीन का स्टॉक पाइलिंग कर रही थी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री 2-3 थी और स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे, तब हम वैक्सीन मैत्री के तहत हमारे पड़ोसी देश और नीडी कंट्री के लिए वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे थे। इस सारी प्रक्रिया के दरमियान हमने, उस वक्त हम चाहते तो मेडिसिन का प्राइस हम चाहे वो ले सकते थे, वैक्सीन की प्राइस उस वक्त 15-17 डॉलर, 19 डॉलर, 20 डॉलर की वैक्सीन थी, हमारे यहां 2.5 डॉलर, 3 डॉलर में हम दुनिया को दे रहे थे। हम चाहते थे, चाहते तो उसकी प्राइस बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हेल्थ इज नॉट कॉमर्स टू अस, हमारे लिए हेल्थ एक कॉमर्स नहीं, सेवा है। और दुनिया को 150 कंट्री में हमने जब मेडिसिन पहुंचाई पोस्ट कोविड, कोविड के बाद, आज दुनिया चाहती है कि इंडिया एकलौती के कंट्री है जो क्राइसिस की स्थिति में भी हमारे साथ रहती है, हमारी दोस्ती निभाती है, हमें मदद करती है। उसके लिए इंडिया प्रायोरिटी कंट्री बन गया है और इसलिए हिंदुस्तान ने हेल्थ सेक्टर में अपने विरासत से प्रेरणा लेके आने वाले दिनों में होलिस्टिक अप्रोच के साथ सर्वग्राही दृष्टि से हेल्थ को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कैसे हो उसके लिए कार्यक्रम चलाया। आयुष्मान योजना के 4 पिलर से हमने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया कि कोई भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंट्री में गुड गवर्नेंस होना चाहिए, कंट्री में सिटीजन नागरिक हेल्दी होना चाहिए, बेस्ट हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। इस सारी व्यवस्था को पूरी करने के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना चलाई, 4 पिलर उसके लिए तय किया। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, देश में 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने बनाया और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 13 टाइप की स्क्रीनिंग होता है। आपने यहां कहा कि वर्तमान समय में आप डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे कैंसर की सिचुएशंस पर, आपकी थीम इस बार कैंसर पर है। दोस्तों, 3 टाइप के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हमारी 10 लाख आशा बहन को हमने एम्पावर किया है, उसको ट्रेन किया है, वो घर घर जाती है, 1000 पॉपुलेशन पर 1 आशा बहन घर घर जाके घूमती है। प्राइमरी सिम्टम उसको पता चलता है, आशा बहन एक ऐसा हेल्थ वर्कफोर्स है, मैं दुनिया में ये बात रखता हूं और यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हमारी आशा बहन की इंडियन हेल्थ सेक्टर में जो भूमिका हो उसकी प्रशंसा करते हुए उसको सम्मानित किया गया। 1000 पॉपुलेशन में कौन सी महिला को, कौन सी फैमिली में किस टाइप का डिसीज है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। कौन से बच्चे को टीका लगा हुआ है, कौन मां प्रेग्नेंट है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। वो घर में जब जाती है विजिट पर, तब उसके साथ बातचीत में उसको पता चलता है कि वो कैंसर हो सकता है, तुरंत ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लाके उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है और स्क्रीनिंग करके और शायद वो पॉजिटिव हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहां उसका उपचार हो जाता है। उपचार करने के लिए शायद वो फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, देश में 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी के सूची में शामिल किया गया है, वहां उसको मुफ्त इलाज मिल जाता है। 42 से अधिक कैंसर की मेडिसिन में आज दुनिया में कहां भी जाओ, सबसे सस्ती कैंसर की मेडिसिन इस देश में मिलती है, तो ये देश का नाम इंडिया है। कुल मिला के 90 टाइप की मेडिसिन कैंसर के लिए होती है, इतनी ही होती है ना डॉक्टर साहब, बड़वे साहब को पता होगा। उसमें से 42 कैंसर की मेडिसिन के लिए हमने ट्रेड मार्जिन फिक्स कर दिया है, उसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं कर पाएंगे। और ये कैंसर की मेडिसिन
जेनरिक वर्जन देश में 10,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र है वहां पर उपलब्ध हो जाता है, लोगों को सस्ता इलाज मिले, टाइम पे उसका स्क्रीनिंग हो जाए, उसको ट्रीटमेंट मिले। हमारे आईसीएमआर के रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष 14 लाख नए कैंसर के पेशेंट शामिल होते हैं, उसको बेस्ट इलाज मिले, उसके लिए कैंसर हॉस्पिटल भी बढ़ाई जा रही है, टर्शरी केयर फैसिलिटी भी डेवलप हो रही है, 22 जितनी एम्स बन रही है ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कोई पेशेंट को और रिफर करने की आवश्यकता हो तो वहां भी उसको इलाज मिल जाए। कुल मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने केवल 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल दिया, काम पूरा नहीं होगा, वहां डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए तो एमबीबीएस की सीट बढ़ानी चाहिए, एमबीबीएस की सीट डबल कर दिया, पीजी की सीट डबल कर दिया, 9 साल में मेडिकल कॉलेज डबल हो गए। हमारे स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, देश में उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले उसके लिए देश में व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बाद आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में कभी हमें सेटिस्फेक्शन लेवल पर नहीं पहुंचना है। नया नया रिसर्च हो, नया नया इनोवेशन हो, उसके लिए हमने लास्ट वीक में कल ही फार्मा सेक्टर की रिसर्च पॉलिसी को लॉन्च किया और उसके लिए इंसेंटिव स्कीम को कल ही मैंने लॉन्च किया है। मैं जानता हूं और समझता हूं कि हमारे यहां हेल्थ को अफोर्डेबल करने के लिए मेडिसिन सस्ती मिले, हम एनएलएम का लिस्ट तैयार करते हैं, हम हमारी कंपनी को प्रॉफिटेबल ज्यादा मुनाफा कमाने से रोकते हैं, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च के पीछे कम कर पाता है, स्वाभाविक है। आज मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रॉफिट का 20-25% रिसर्च और इनोवेशन के पीछे खर्च करता है। हम आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जेनरिक में है। आज हम कंटेनर में मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन कंटेनर में हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तब लाखों में इनकम होती है, लाखों में पैसा आता है, कि उसकी कीमत लाखों में होती है, बट हम जब इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं, इनोवेटिव ड्रग्स इंपोर्ट करने के लिए, पैटर्न ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं। आज मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केस में मेरे सामने आया कि एक कोर्स का 16 करोड़ रुपया की कीमत है। हम कितना कंटेनर भर भर के भेजे, लिफाफे में आएगी और उसका 16 करोड़ देना पड़ता है। क्या ये रिसर्च और इनोवेशन हम इंडिया में नहीं कर सकते है क्या? दोस्तों, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। सवाल इतना ही है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट की जाए। मैंने एक घटना देखी है और आप में से जो डॉक्टर है उसको भलीभांति पता होगा, वैक्सीन का रिसर्च होना वो दुनिया में ही होता है, हम तो वहां से लाके यहां मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, बाकी रिसर्च पेटेंट तो दुनिया की ही होती है, ऐसा माइंडसेट था हमारा। और दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद सामान्यतः 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो, रूबेला के वैक्सीन हो, इतने लेट समय में इंडिया में आती है। लॉकडाउन चल रहा था, वैक्सीन कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे, जब मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मीटिंग रखी थी और मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि ये कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे, तब हमारा साइंटिस्ट ने कहा कि साहब वो अननोन वायरस है, म्यूटेट होके क्या बिहेवियर करेगा ना हमें पता है ना दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता है, लेकिन उसका एक उपाय हो सकता है, उसका वैक्सीन हम बनाए। और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि मुझे मेरे साइंटिस्ट पर भरोसा है, आप मेहनत करो वैक्सीन रिसर्च में, निष्फलता मेरी, सफलता आपकी। हमारे ही साइंटिस्ट ने वैक्सीन का रिसर्च कर लिया, दुनिया में फर्स्ट डोज शायद 20 दिसंबर 2020 में लगा था,
उसके बाद एक महीने में 17 जनवरी 2021 में इंडियन रिसर्च, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ इंडिजिनियस वैक्सीन का डोज इंडिया में एडमिनिस्टर हो गया था। दोस्तों एक ही महीना में, दुनिया के पीछे केवल एक महीने में हमने एक गोल को अचीव कर लिया था। एक क्षमता हमारी है, सवाल है हम इकोसिस्टम बनाए, सवाल इतना ही है कि हम रिसर्च इनोवेशन के पीछे माइंड अप्लाई करें, हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। दोस्तों जब चंद्रयान लैंड किया चंद्र पर, मेरे आईसीएमआर के साइंटिस्ट मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा कि वो चंद्रयान वहां लैंड कर सकता है, हम हमारे सेक्टर में 2-3 प्रपोजल लेके आ गए। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसका हौसला बढ़ा कि हम भी एक गोल पर काम करना चाहते हैं और उसको टाइम में अचीव करना चाहते हैं। हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता में कोई कमी नहीं है, और इसलिए हमने उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की। और इसलिए मोदी जी ने कहा जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ा। इस समय की मांग है, दुनिया हमसे अपेक्षा रख रही है कि इंडिया लीड करे, इंडिया में रिसर्च हो, इंडिया में इनोवेशन हो। इंडिया आज दुनिया के लिए प्रायोरिटी है, खास करके ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया प्रायोरिटी है। दोस्तों ऐसी स्थिति में हम हेल्थ सेक्टर में वर्तमान समय की समस्या, वर्तमान समय के इश्यू को एड्रेस करके आज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। समय के साथ हमारी वर्किंग बिहेवियर बदला है, हमारी लाइफस्टाइल बदली है, हम आज श्रम से हटे हैं। ये सब स्थिति को देखते हुए हम एक न्यू आइडिया से कैसे काम करें, वेलनेस पर कैसे काम करें, कैंसर पेशेंट को ट्रीट करें, इट्स ओके, करना चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए इनोवेशन हो, मेडिसिन के लिए इनोवेशन हो, होना चाहिए। लेकिन हम हमारे वेलनेस के लिए एफर्ट कर सकते हैं क्या? वेलनेस पर भार देके, हमारी जीवन शैली और खान पान में बदल करके, हम एनवायरमेंटल इश्यू को रिजोल्व करके, हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर का यूज को कम करके असाध्य रोग के सामने लड़ सकते हैं क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के सामने लड़ सकते हैं क्या? मैं भारत सरकार का फार्मा मिनिस्टर भी हूं, केमिकल्स मिनिस्टर भी हूं, फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हूं और हेल्थ मिनिस्टर भी हूं। तो सारों को, सारा विषय को ज्वाइंट करके मैं जब सोचता हूं तब कई आइडियाज आता है दोस्तों, विजन मिलता है। कई टास्क में एम्स को देता हूं कि उसके पर आप अध्ययन करिए, उसके पर आप काम करिए। कई टास्क मैं कैंसर इंस्टीट्यूट को देता हूं, कई टास्क मैं नाइपर जैसी इंस्टीट्यूट को देता हूं, इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए करता हूं। दोस्तों एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वन हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करके रिसर्च पर हम ओपन माइंड से, जब मैं एक बार हैदराबाद गया और हैदराबाद में वन हेल्थ फैसिलिटी का मेरे हाथों से इनॉग्रेशन था, तो मैंने इनॉग्रेशन करने के बाद मेरी टीम के साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि आप वर्ल्ड क्लास की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी है और उसके पार रिसर्च कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि आईसीएमआर करेगा, डीबीटी वाले करेंगे। तो मैंने कहा आईसीएमआर और डीबीटी के लिए हो, मर्यादित क्यों हो, क्यों हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं कर सकते? मैं इंडस्ट्रीज के लिए ओपन नहीं कर सकता? मेरे कोई साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर्स वहां आके कोई रिसर्च करना चाहे तो नहीं कर सकते? मैंने कहा कि वो सभी के लिए ओपन होना चाहिए। और 2 महीने में ही बजट में मैंने अनाउंसमेंट करवा दिया, आज हमारी वन हेल्थ की फैसिलिटी, हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है, ताकि वहां रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले।
दोस्तों, बदलते समय में हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें डेवलप्ड कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आना है। और जब डेवलप्ड कंट्री के रूप में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तब डिटेल वर्कआउट हुआ है। जब कोविड क्राइसिस के दरमियान हम सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन मोदी जी ने हम लोगों को सोने नहीं दिया था। हमारे पास वो एक्सरसाइज कराते थे, 25 साल का रोड मैप तैयार करो। सरकार कोई भी हो, 25 साल का रोड मैप तय हो, यही रोड मैप पे आगे बढ़ के हम देश को हेल्थ सेक्टर में ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी, यानी कि हम डेवलप्ड कंट्री की बराबरी में ले जा सकते हैं। क्या हो सकता है उसका रोड मैप? सभी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ने अपने अपने डिपार्टमेंट का, अपनी अपनी मिनिस्ट्री का रोड मैप बनाया है। हेल्थ सेक्टर ने भी अपना रोड मैप बनाया है। ये रोड मैप पर चलते हुए आज हम 1-1-2-1-2-1-2-1 डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आज क्या करना है, 5 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, आज चैलेंज क्या है, 5 साल बाद की चैलेंज क्या होगी, 10 साल के बाद की चैलेंज क्या होगी, 25 साल के बाद की चैलेंज क्या होगी, उसको हमें आज से एड्रेस करना होगा। तब जाके हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। और दोस्तों, समृद्ध राष्ट्र बनाने में देश के नागरिक का स्वास्थ्य बहुत अहम भूमिका रखता है। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ सिटीजन स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आपकी संजीवनी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम से डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा, क्वेश्चंस आंसर्स होगा, उसमें से कुछ अमृत निकलेगा। और आपका डिस्कशन डेलिब्रेशन के आधार पर जो भी आउटपुट निकले, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी एक नोट तैयार करके मुझे भेज देना, ताकि जनता से क्या निकल रहा है, जो सरकार ऑफिस में बैठ के डिसीजन लेने लगती है, तब हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। मोदी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में मानती है, डिस्कशन में मानती है, डेलिब्रेशन में मानती है, ताकि सही चीजें हमारे संज्ञान में होनी चाहिए जब हम पॉलिसी डिसीजन करने के लिए बैठे। मेरी अपेक्षा है कि आपका डिस्कशन डेलिब्रेशन मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी उपयोगी हो सकता है। कई बार कई छोटे व्यक्ति का सुझाव, कोई छोटी बात बहुत बड़ा नतीजा लेके आ जाती है। बारिश तो बिंदु में होती है, लेकिन समुद्र को भर देती है। एक एक ईंट लगते हैं, लेकिन बड़ा महल बन जाता है। उसमें यूज होने वाली छोटी छोटी चीजें जब स्वरूप में आती है, आकार बन जाती है। मैं मानता हूं कि आपका ऐसा सुझाव हमें अवश्य उपयोगी होगा। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। Ladies and gentlemen, he's got a flight to catch, so we're going to keep it very short. And Mansukh Mandaviya ji, bahut bahut dhanyawad, aabhar aapka. Dekhiye, News 18 ki to ye pehel hai, jo hamare bahut kareeb hai, lekin agar Federal Bank, Shyam Srinivasan ji hain, Tata Trust se Siddharth Sharma ji hain, Novartis hamare saath juda hai, agar ye sab nahi judte, to shayad ye muhim jis pehel aur jis level par hum karna chahte hain, wo nahi kar paate. Aapko kya lagta hai ki aur logon ko bhi aise causes se judna chahiye? अवश्य जुड़ना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक केवल इवेंट नहीं है, ये इट इज वन पार्ट ऑफ नेशनल एजेंडा, ये देश के एजेंडा का एक पार्ट है। मैंने मेरी बात में बताया कि हमें देश के प्रति सभी का, हर नागरिक का कर्तव्य है। यहां कोई अच्छा सुझाव दे देंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है। यहां कोई हमारी कमियां को दिखा के उजागर करके हमारे सामने लाएंगे, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। देश हम सबका है, स्वास्थ्य ये
शायद व्यवस्था की दृष्टि से सरकार की जिम्मेवारी होगी, लेकिन उसमें सहयोगी होना हम सबकी जिम्मेवारी है और इस साझा जिम्मेवारी से ही हम कोविड क्राइसिस के सामने लड़ पाए। आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस के दरमियान हर व्यवस्था के साथ जनता को जोड़ी और काम जनता ने किया, आउटपुट देश को मिला। बहुत सही कहा आपने। मंत्री जी, श्याम श्रीनिवासन जी थोड़ी देर पहले जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा हमारा इस कैंपेन का ध्येय ही टेस्टिंग और डिटेक्शन है, कि अवेयरनेस बढ़ाएं कि आप कैंसर के लिए टेस्टिंग करिए और डिटेक्शन करिए। उनकी एक ड्रीम है कि वो एक ऐसा एआई रूपी कुछ यंत्र बनाना चाहते हैं जो रूरल लेवल पर डिटेक्शन में मदद करे। आपको लगता है कि किसी तरह से ये मुहिम सरकार के साथ जुड़कर रूरल लेवल पर गांव में जहां पर डिटेक्शन और ट्रैकिंग में मदद कर सकती है? अवश्य कर सकते हैं। और देखो, आज जो मैंने आपको इंडिया के हेल्थ मॉडल की बात की, हमारा मॉडल दुनिया के मॉडल से कैसे अलग है? एक बार एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडियन थे, वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी, आपके हमारे कंट्री में, इंडिया में, वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ थे, वो आए थे यहाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जीडीपी का 1.5% खर्च ही हेल्थ के पीछे होता है। उन्होंने कहा कि यूएसए में 6% होता है, इटली में 7% होता है, ब्रिटेन में इतने परसेंट होता है। उन्होंने अपने 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 परसेंटेज की बात कही और उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी अपने जीडीपी का खर्च हेल्थ के पीछे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने उसको रिप्लाई देते हुए कहा कि हमने हेल्थ पॉलिसी बनाई है और हमने लक्ष्य रखा है कि हम 10 साल में, 5 साल चले गए, 5 साल में और 5 साल में हम उसको 2.5% तक ले जाएंगे और आगे भविष्य में हम उसके ऊपर काम करते जाएंगे। और बाद में मैंने उसको कहा कि उसका 7% होगा, किसी का 6% होगा, वहां का मॉडल और इंडिया का मॉडल में फर्क है। फर्क ये है, आज इंडिया में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा, कोई टाउन ऐसा नहीं होगा, कोई सिटी ऐसा नहीं होगा जहां चैरिटी से चलने वाली अस्पताल ना हो। हमारी सोसाइटी हेल्थ के लिए जिम्मेवारी उठाती है। अरे, हमारे यहां एम्स या तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, टाटा इंस्टीट्यूट का नाम इतना बड़ा बना हुआ है, वहां से कोई बड़वे साहब कल प्राइवेट प्रैक्टिस चालू कर दे और एक कंसल्टेशन का वो 10,000 फीस रखे तो 10,000 फीस देके उसके पास पेशेंट आएगा। लेकिन मैंने ऐसे कई डॉक्टर देखे हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूट में बड़ा नाम होने के बाद भी वो इंस्टीट्यूट छोड़ी हो और बाद में 100 रुपीज में अपनी सेवा देते हो, 100 रुपीज में कंसल्टिंग चार्ज देते, ये भी टोकन के रूप में। ऐसी कई हॉस्पिटल में वो जाएंगे फ्री अपनी सेवाएं देने के लिए। ये हमारा मॉडल है, इसलिए यहां हेल्थ केयर अफोर्डेबल है। आधा खर्च सरकार के सापेक्ष में हमारी जनता ही उठा लेती है, चैरिटी हॉस्पिटल, एनजीओ के द्वारा चलने वाले हॉस्पिटल, कोई फैमिली ट्रस्ट बना के अस्पताल चलाते हैं। अरे, कोई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, देखना सीएसआर फंड आज अच्छी तरह से यूज करने वाले लोगों को सीएसआर फंड बहुत उदारता से मिल रहा है। यह हमारा मॉडल है, इसलिए पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर में ये हमारा नेचर में है, हमारा स्वभाव में है। और मैं मानता हूं कि किसी के पास भी ऐसा पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल हो, मैं एक सामान्य एग्जांपल दूं आपको। जब लास्ट प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने केवल आह्वान किया था, एक सभी इंडस्ट्रीज के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की और मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि हम 2025 अंत तक देश को टीबी मुक्त करना चाहते हैं, क्या हम निक्षय मित्र बने और टीबी पेशेंट को गोद ले? और उसके लिए मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल 15 दिन में 1 लाख से अधिक लोग निक्षय मित्र बनके 12 लाख पेशेंट को गोद ले लिया। क्या बात! और उसको रेगुलर फोटो भेजते हैं, कार्यक्रम में सोशल मीडिया में ट्रैक करता हूं तो पता चलता है,
रेगुलर 1000 रुपये की न्यूट्रिएंट फूड की किट उसको पहुंचाते हैं। ऑफिसर लोगों ने गोद लिया, एनजीओ ने गोद लिया, मल्टीनेशनल हमारे कॉरपोरेट सेक्टर ने गोद लिया, प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों ने गोद लिया, जनप्रतिनिधियों ने गोद लिया और एक मुहिम जनता ने उठा ली। तो ऐसा कोई भी प्रयोग आपके कोई भी लोगों के मन में आइडिया आए सरकार के साथ शेयर करना चाहिए और सामूहिकता से पब्लिक पार्टनरशिप से हमें देश के डिसीज को एड्रेस करने के लिए कोई मुहिम चलानी हो तो चलानी चाहिए। आरंभ प्रचंड है लेकिन ये अभी काम अधूरा है, इस पर हम बहुत कुछ काम करने वाले हैं। ये आपसे वादा है कि आपको कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे। मनसुख मांडविया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर। एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये कैंसर का एक छोटा सा आप पे पिन लगाना चाहता हूं जो हम सब ने यहां यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर के लिए Thank you, Anand. Thank you, Honorable Minister, for that.